क्वेश्चन ने कहा कि बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में डाइन है। न्यूटन को डाइन में बदलना है, बात समझ रहे हैं? न्यूटन को डाइन में बदलना है। न्यूटन कौन सी पद्धति का मात्रक है? एम के एस पद्धति का मात्रक है और डाइन सी जी एस पद्धति का मात्रक है। और ये किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तब समझने वाली बात यह है कि बल की बात पूछ रहा है कि बल को, बल का जो मात्रक न्यूटन है, न्यूटन को डाइन में बदलिए। यहां पर हम मान लेते हैं कि एन बराबर एक न्यूटन, केवल न्यूटन पूछा ना उसने कि न्यूटन को डाइन में बदलिए, तो कितने न्यूटन को डाइन में बदलिए? एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, ठीक है। तो एन वन बराबर एक न्यूटन आ गया आपके पास में। अब एन टू का मान कितना होगा? किसमें? डाइन में। एन टू का मान कितना होगा डाइन में, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक राशि किसकी बात कर रहा, बल की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बल की विमा। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। और इसकी हम सबसे पहले तुलना कर देंगे बल की विमा की एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी से, ठीक है। तो ये हमने तुलना कर दी। तो यहां पर एम की पावर ए है और यहां पर एम की पावर एक है, तो ए इज इक्वल टू एक आ गया हमारे पास में, बी इज इक्वल टू एक आ गया और सी इज इक्वल टू माइनस टू आ गया। ऐसे हमें मिल गया ए बी सी का मान। अब ए बी सी का जब मान मिल गया हमको, तो हम जानते हैं कि एन टू बराबर होता है एन वन एम वन बटे एम टू की पावर ए, एल वन बटे एल टू की पावर बी और टी वन बटे टी टू की पावर सी। एम क्या है? ये द्रव्यमान के मात्रक है। एम क्या है? द्रव्यमान के मात्रक है। और एम वन का मतलब द्रव्यमान का वो मात्रक रखेंगे जिस पद्धति में दिया गया है, और एम टू का मतलब वो मात्रक रखेंगे जिस पद्धति में हमें बदलना है, ठीक है। अभी से नोट कर देता हूँ साथ साथ, फिर समझोगे कैसे? पहले समझते चले आओ, समझते जाओ फिर अपना नोट कर लेना, ठीक है। अब अगर देखें तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड होता। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता। तो दिया है एमकेएस में, तो ऊपर हमें वो मात्रक रखना है जिस जो प्रणाली हमें दी गई है, और नीचे उस प्रणाली के उस पद्धति के मात्रक रखना है जिसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको पता चला कि एन वन की वैल्यू हमारे पास में एक है, और एम वन मतलब द्रव्यमान का मात्रक, वो द्रव्यमान का मात्रक जो पद्धति दी गई है, एमकेएस पद्धति दी गई है, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। इस पे पावर ए है और ए का मान है एक, एक पावर लिख देंगे। लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में बदलना है तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। घात बी दी गई है, बी का मान एक रख देंगे। समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में सेकेंड होता है, सीजीएस पद्धति में भी सेकेंड होता है। घात माइनस दो दी गई है, सी का मान। अब हम क्या करें कि एक जैसी राशि में बना लें। किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000 बटे ग्राम, घात एक, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, घात एक, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। एक की पावर कितना भी हो उसका मान एक होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1000 बचेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां 100 बचेगा और यहां पर एक बचेगा। कुल मिलाकर के 10^5 डाइन आ जाएगा। तो एक न्यूटन में 10^5 डाइन होता है, ये हमें पता चलता है। और एक डाइन में अगर हम चेंज करेंगे न्यूटन को, तो 10^-5 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेकेंड प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में बदलिए। 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर को एसआई सिस्टम में बदलना है, पृष्ठ तनाव के लिए कहा गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है,
पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव बराबर जो है देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पृष्ठ तनाव जो दिया गया है वो 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर दिया गया है। समझना बेटा, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर दिया गया और इसे एसआई पद्धति में चेंज करना है, एसआई प्रणाली में बदलना है। तो डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है, सेंटीमीटर भी सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस से हमें एसआई में बदलना है, सीजीएस से हमें किसमें बदलना है, एसआई में। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक मान जो दिया है N1 बराबर वो दिया है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, और पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है वो होती है MT-2। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती, MT-2, ये समझना होगा आपको, ठीक है। इसकी हम तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे M की घात A, L की घात B, T की घात C से। तो यहां पर हमको मिलेगा A = 1 और B = 0, क्योंकि L की घात यहां पे कुछ है नहीं, और C = हमको मिलेगा -2। C = मिला -2। अब वैल्यू क्या होती है, N2 = N1, M1/M2^A, L1/L2^B और T1/T2^C। यहां पर N1 की वैल्यू है 72, M1 मतलब द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक CGS पद्धति में ग्राम होता है और SI पद्धति में किलोग्राम होता है। इसकी घात A, A का मान है 1, लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है और SI पद्धति में मीटर होता है। घात B है, B का मान है 0। समय का मात्रक CGS पद्धति में सेकंड होता है और SI में भी सेकंड होता है। इसकी घात -2। अब यहां पर जरा समझे, 72 ग्राम/किलोग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो यहां पर आ जाएगा 1000 ग्राम। इसकी पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता, 1। सेकंड से सेकंड कटेगा, 1 की पावर कितना भी हो उसका मान कितना होता, 1। तो यहां पर कितना बचा आपके पास में, 72 ग्राम/ग्राम कैंसिल हो गया। ये 1000 है मतलब 10^3 है, जब ऊपर जाएगा तो 10^-3 बन जाएगा। तो फाइनली इसे हम लिख सकते हैं 0.072, और एसआई पद्धति में बदलना तो यह जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इस तरीके से लगाते हैं सवाल, ठीक है। सबने करा था। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 10 m/s² है। कितना है, 10 m/s² है। इसे अपन को बदलना है cm/min² में। मतलब इसमें कोई एक पद्धति से दूसरी पद्धति में नहीं बदलना है। इसमें उसने ये नहीं कहा कि MKS को CGS में बदलिए या CGS को MKS में बदलिए। इसमें उसने मात्रकों को ही कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए और सेकेंड को मिनट में बदलिए, ये उसने कहा। तो हमें ये पता चला यहां पर कि N1 की वैल्यू जो है वो 10 m/s² है और ये है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो होती है LT-2, राइट। अब इसकी हम कर देंगे क्या तुलना, किससे, m^A, l^B, t^C से। तो यहां से a का मान आएगा 0, क्योंकि m^A है, यहां पर m^ कुछ है ही नहीं, और b का मान आएगा हमारे पास में 1, l^1, और c का मान आएगा हमारे पास में -2। अब हम सूत्र लगाएंगे n2/n1, फिर होती है वैल्यू m1/m2^A, l1/l2^B और t1/t2^C, ठीक है। अब n2/n1 का मान है 10। अब यहां पर बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की बात आती है यानी कि द्रव्यमान का मात्रक हमें लिखना है। तब हमें यहां पर यह नहीं समझ में आएगा, ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किलोग्राम लिखें कि ग्राम लिखें, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है यहां पर। वैसे तो MKS सिस्टम में दे रखा है, लेकिन यहां पर CGS सिस्टम है, लेकिन मिनट जो है वो CGS सिस्टम का यूनिट नहीं है। CGS सिस्टम में तो टाइम का मात्रक सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो आप क्या करें, m1/m2 जहां के तहां लिखा रहने दें, क्योंकि इस पे घात कितनी है, a, और a का मान कितना है 0, तो ये ऑलरेडी 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। लंबाई का मात्रक यहां पर मीटर दिया है और बदलना हमको सेंटीमीटर में है, और घात है b, और b का मान है हमारे पास में 1। समय यहां पर सेकंड में दिया गया है
और बदलना हमको मिनट में है, और घात यहां पर है माइनस की दो। तब यहां हम देखेंगे 10 गुणा इस पूरे का मान एक हो गया, क्योंकि किसी की पावर भी जीरो उसका मान एक होता है। यहां पर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटे में सेंटीमीटर ज्यों का त्यों रहने देंगे, एक घात ना भी लिखो तो चल जाएगा। इसके बाद सेकंड ज्यों का त्यों, मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना, घात माइनस दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ये 10 एकम 10 आया, ये 100 आया, और यहां देखो 60 की पावर माइनस दो है, 60 की पावर क्या है, ये 1/60 की पावर माइनस दो, ऐसे कहलाएगा ना। जब 60 की पावर माइनस दो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1000, ये बन गया 3600। फाइनली इसे हम लिखेंगे तो ये बन गया 36 गुणा 3 0 ये 2 0 ये 5, या हम इसे कह सकते हैं 3.6 × 10^6, ये बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में।